Hello there, my dear students. A very warm welcome to English Flight Academy. Thank you so much for your generous appreciation. New viewers are requested to subscribe to our channel, English Flight Academy. Hit the bell icon to get to know about newly uploaded series of English learning videos. Click the like button and please don't forget to share with your relatives and friends. Our course is exclusively designed for the beginners of English. So, let's learn lesson 2 today. Before we begin today's lesson, few essential points to note are: attempt the given worksheets regularly. They'll be there in the description box. The link to the worksheets will be there in the description box. Feel free to send the suggestions if you have any. Lesson 2 is all about English alphabet. English alphabet consists of 26 letters. They are divided into two classes, vowels and consonants. Vowels are 5 in number and consonants are 21 in number. Those 5 letters A, E, I, O, U are called as vowels and the rest of the letters are called as consonants. Vowels are 5 in number and consonants are 21 in number. A or an. Iska usage hum aaj seekhenge. Use of A or an. A or an ke maane hai ek ke. Okay, chahe wo ek cheez ho ya chahe ek person ho, right? Aur A, an aur the ko English mein articles kehte hain. Lekin the mein किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, अभी नहीं करूंगी. ए और एन का यूसेज ही अभी हम सीखेंगे. तो एन इज यूज्ड बिफोर ए वावल और वावल साउंड, राइट? एन का यूसेज कब होगा? या तो वावल से पहले होगा या वावल साउंड से पहले होगा. और ए का यूसेज कॉन्सोनेंट से पहले होगा या कॉन्सोनेंट साउंड से पहले होगा. ओके, we'll do exercises to understand it in a better way. So a is used before a consonant or consonant sound and an is used before a vowel or vowel sound. Just look at the screen. Use of a or an kis tarah se hoga? Fill in the blanks with a or an. Ye slide ko thoda sa pause kar le, video ko pause kar le, uske baad jo hai exercise ko solve kare khud hi se. फिर मैंने उसकी की जो है नेक्स्ट स्लाइड में दी है, आप उसके आंसर्स चेक कर सकते हैं. लेकिन आपको ये जानना है कि ए जो है कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज होगा और एन जो है वावल या वावल साउंड से पहले यूज होगा. पॉज कर कर वीडियो को एक्सरसाइज सॉल्व करें, देन यू कैन सी द की इन द नेक्स्ट स्लाइड. द की इज ऑन द स्क्रीन. एन एग, अ लायन, एन आउल. देखिए एन एग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ई जो है वो वावल है और अ लायन इसीलिए कह रहे हैं एल जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है. एन आउल उसी तरह से अ वुमन, लेकिन एन आवर ये देखें बहुत जरूरी है. आवर इज प्रोनाउंस्ड विद अ साइलेंट एच. एच इज साइलेंट देयर. ओ इज अ वावल साउंड देयर. सो द करेक्ट आर्टिकल इज एन देयर. ओके, तो एच से स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम उसका प्रोनंसिएशन ओ से कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, देन एन ऑरेंज, अ कीबोर्ड, एन ईगल, अ यूनिवर्सिटी या ए यूनिवर्सिटी, बोथ आर राइट. ए यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, अ यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं. लेकिन क्यों ए लिख रहे हैं यहाँ पे यू से पहले? द यू इन यूनिवर्सिटी इज प्रोनाउंस विथ लॉन्ग यू साउंड विच साउंड्स लाइक वाई ई डब्ल्यू एंड रिटन एज जे इन फोनेटिक अल्फाबेट. ऑल्दो द फर्स्ट लेटर इज अ वावल, इट डज नॉट हैव अ वावल साउंड. वी देयरफॉर से अ यूनिवर्सिटी. मीनिंग ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, इज एम आर जो है नेक्स्ट स्लाइड में है, उसका मीनिंग देखेंगे. दिस के माने ये है, जब करीब होती है चीज़ तो कहेंगे दीज, ये सारे. दैट, वो, जब चीज़ दूर रहेगी तो कहेंगे दोज, वो सारे. जब जो बहुत सारी चीज़ें दूर रहेंगी तो वो दोज कहेंगे उनको, राइट? सो इस के माने है के और आर के माने हैं के. ओके, दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है. दीज आर बुक्स, ये सारी किताबें हैं. दैट इज़ अ बुक, वो किताब है.
Those are books. वो सारी किताबें हैं. Okay. Here I have given a dialogue between a mother and a son. यहाँ पे इसके माने जब हम इसको पहले लिखते हैं किसी भी चीज़ से तो वो क्या और है उसका मीनिंग ब्लेंड हो जाता है. ओके. इज दिस अ बुक. क्या ये किताब है. क्या और है ब्लेंड हो गया है इज में, यानी कि फिर इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है. इज दिस इज अ बुक नहीं कहेंगे, इज दिस अ बुक कहेंगे, क्योंकि इज में ही क्या और है का मीनिंग ब्लेंड हो चुका है. ओके. सो इज दिस अ बुक. नो इट इज़ नॉट. इज दैट अ बुक. क्या वो बुक है. तो क्या और है इज में ही ब्लेंड हो गया है. ओके. इज दैट इज अ बुक कहने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट कहेंगे इज दैट अ बुक. यस इट इज़. आई होप इट इज़ क्लियर. उसी तरह से देखें डायलॉग कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे. आर दीज बुक्स. क्या ये सारी किताबें हैं. क्या और हैं जो है आर में ही ब्लेंड हो गया है. फिर से उसको आर दीज आर बुक्स कहने की ज़रूरत नहीं है. आर दीज बुक्स. यस दे आर बुक्स भी कह सकते हैं या यस दीज आर बुक्स भी कह सकते हैं. आर दोज बुक्स. क्या वो सारे किताबें हैं. तो आर दोज बुक्स उसका रिप्लाई जो है नो दे आर नॉट या नो दे आंट. नो दोज आंट उस तरह से भी बोल सकते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. आर दीज बुक्स. यस दीज आर बुक्स भी कह सकते हैं. यस दे आर बुक्स भी कह सकते हैं. आर दोज बुक्स. नो दे आर नॉट या नो दोज आंट. ओके. लेट्स प्रोसीड विद सम मोर मीनिंग्स. ही शी इट वी यू दे. इसके क्या माने हैं उर्दू में. ही के माने हैं वो. Used for a boy or man. She जो है वो उसको भी वो कहेंगे. और used for a girl or a woman. It को भी वो कहेंगे. But used for animals or things. We के माने हैं हम के. Used for plural. Okay. You के माने हैं आप या तुम के. Used for second person. They के माने हैं वो लोग के या वो चीज़ें. Right? Used for plural. तो ये सारे जो है प्रोनाउंस हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाई थी उसमें मैंने कहा था कि रिप्लेसिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज प्रोनाउंस. आई होप यू रिमेंबर द डेफिनेशन विच आई एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो विच वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ इंग्लिश फ्लाइट अकेडमी. ओके. आई होप इट्स क्लियर. वंस अगेन यू पॉज द वीडियो. नोट डाउन इन योर नोट्स द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स सो दैट इट्स हेल्पफुल टू यू वाइल सॉल्विंग दी exercises which are given in the description box. The link will be given. Please click on the link and do solve the exercises so that you become perfect in the topic learnt. So let's proceed with the meaning and use of is, am, are. Okay. Am ke maane hai hoon ke, is ke maane hai hai, are ke maane hai ya ho. Hai plural ke liye bolenge agar translation dekhenge urdu mein ya hindi mein. To ho jo hai wo singular ke liye bolenge. राइट. आई एम अ टीचर. मैं टीचर हूँ. शी इज़ अ डॉक्टर. वो डॉक्टर है. यू आर स्टूडेंट्स. आप स्टूडेंट्स हैं. यू आर अ स्टूडेंट अगर कहूँगी तो यू आर अ स्टूडेंट का मीनिंग आप स्टूडेंट हो जाएगा. तो आर के माने दो है यानी यहाँ पे हैं या हो है. ओके. हैं प्लूरल के लिए है और हो जो है सिंगुलर के लिए है जब हम ट्रांसलेशन के लिए जाते हैं उर्दू या हिंदी में. मूविंग ऑन. दिस हैज़ टू बी by hearted. This table has to be by hearted. Usually this table is used when we talk about facts and while using present continuous tense. Okay. जो tenses समझाऊंगी मैं आगे चल के जो videos में उसमें मैं आपको is am are का use फिर से recapitulate करूंगी. लेकिन अभी तो जो है facts के लिए use हो रहा है यहाँ पे जो मैं अभी exercises आपको यहाँ पे दी हूँ. Present continuous tense मैंने नहीं शुरू किया है बाद में करूंगी लेकिन अभी facts के लिए हम ये यूज करेंगे. ओके. आई एम. आई एम अ टीचर. आई एम एन इंजीनियर. आई एम एन आर्किटेक्ट. लाइक दैट. देन ही शी इट जो है इज जो है ही शी इट के साथ इस्तेमाल होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा. ही इज अ डॉक्टर. शी इज अ टीचर. इट इज अ डॉग. उस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के माने हैं वहाँ पे. आप नाम भी ले सकते हैं. आसिम इज अ डॉक्टर. ओके. सीमा इज अ डॉक्टर. द डॉग इज बार्किंग या द डॉग इज हंग्री. उस तरह से वी यू दे के साथ वी यू दे जो है आर जो है वी यू दे के साथ यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा. जैसे वी आर डॉक्टर्स. वी आर टीचर्स. यू आर ए डॉक्टर. यू आर ए स्टूडेंट या दे आर टीचर्स. दे आर स्टूडेंट्स.
या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसा कि सीमा एंड आसिम आर फ्रेंड्स. ओके, लाइक दैट द यूसेज विल बी. आई होप इट्स क्लियर. जैसे मैंने आपको पहले बताया, मीनिंग ब्लेंड होता है क्वेश्चंस में. अब आप गौर करें इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यूज ऑफ इज एम आर, मीनिंग ब्लेंड्स इन क्वेश्चंस. ओके, इज शी अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है, क्या और है ब्लेंड हो गया है क्वेश्चन में. आई एम अ टीचर, क्या मैं टीचर हूँ. आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हो. आर यू माई स्टूडेंट्स, क्या आप मेरे स्टूडेंट्स हैं. राइट, आई होप इट्स क्लियर. और एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं. आई एम ए गर्ल, जब एम जो है पहले लिखा जाएगा तो क्या और हूँ मीनिंग आ जाएगा. एम आई अ गर्ल. ओके, वन मोर एग्जाम्पल. सीमा इज अ टीचर, इज सीमा अ टीचर, क्या सीमा टीचर है. दे आर स्टूडेंट्स, आर दे स्टूडेंट्स. ओके, दे आर स्टूडेंट्स इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड आर दे स्टूडेंट्स इज अ क्वेश्चन. राइट, सो लेट्स टॉक सेशन शुरू करते हैं. इसमें से इट आउट लाउड विथ मी सो दैट यू गेट अकस्टम टू सेइंग सच सेंटेंसेस. ओके, दिस इज अ कीबोर्ड, सिंगुलर है. प्लूरल जो है, दीज आर कीबोर्ड्स. दिस इज अ बेबी, दीज आर बेबीज. दैट्स एन अम्ब्रेला, दोज आर अम्ब्रेलास. दैट इज एन एग, दोज आर एग्स. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस को सीख लें. कॉन्ट्रैक्शंस जो है इंग्लिश में बहुत ज्यादा नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं. आई एम नॉट या ain't कहेंगे उसको, is not को isn't कहेंगे, are not को aren't कहेंगे. ओके, कुछ लेटर्स ओमिट हुए हैं उसमें, जैसा कि पहले इसमें am not में देखें आप, वहाँ पे तो m भी ओमिट हो चुका है और उसकी जगह i का इस्तेमाल हुआ है, और जो है o ओमिट हुआ है उसकी जगह apostrophe का इस्तेमाल हुआ है. is not में जो है o को ओमिट किया गया है और उसकी जगह apostrophe का इस्तेमाल हुआ है, isn't. और are not में अगेन o इज ओमिटेड एंड apostrophe is used instead of that. So apostrophe indicates that there is a letter which is omitted. Okay, so I am not ko ain't pronounce karenge, is not ko isn't, or are not ko aren't. I hope it's clear. Ain't, isn't, aren't. Say it out loud. These are negative statements. Okay, singular. This isn't a keyboard, plural. These aren't keyboards. This isn't a baby, these aren't babies. Okay, some more examples. Please say it out loud. That isn't an egg, those aren't eggs. That isn't an umbrella, those aren't umbrellas. Abhi contractions ko use karte hue, say it out loud with me. She's a girl, they are girls. He's a teacher, they are teachers. You're my sister, you're my sisters. I'm a teacher, we are teachers. It's a mango, they are mangoes. Now we'll say it out loud, but these are negative statements with the contractions. Okay, she isn't a girl in a singular sentence, and in the plural they aren't girls. He isn't a teacher, they aren't teachers. You aren't my sister, you aren't my sisters. I'm not a teacher, we aren't teachers. It isn't a mango, these aren't mangoes. Once again, she isn't a girl, they aren't girls. He isn't a teacher, they aren't teachers. You aren't my sister, you aren't my sisters. I'm not a teacher, we aren't teachers. It isn't a mango, these aren't mangoes. So the third part of my explanation, as I told you, consists of worksheets. The link to worksheets is given in the description box. I request you all to solve the worksheets and speak out loud. Say it out loud while solving them without fail. So, my dear students, I hope lesson 2 English alphabet is clear. An important thing to note is, if you're genuinely interested in learning this language, this English language, you need to spend at least 2 to 3 hours every day. Then only you become confident speakers. Okay? So, learners, you need to understand that English Flight Academy is definitely a one-stop solution for speaking good English. I request the new viewers to subscribe to our channel English Flight Academy. Click the bell icon to get notified for newly uploaded videos in this series.
Don't forget to click the like button and do share the video with friends and members of the family so that they can learn English for free. Until we meet next, goodbye. See you soon. Happy learning.